अरे बढ़ गए। अच्छा रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? अगर वायर है तो वायर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, वायर के एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दोनों को ज्वाइन कर दें, आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय आर इज इक्वल टू रो एल बाय व्हाट इज रो? रो इज नथिंग बट रेसिस्टिविटी ऑफ मटीरियल। ये अलग अलग मटीरियल का अलग अलग होता है। अच्छा एक बात होता, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किस मटेरियल की होगी? अरे वो लट्टू देखा हो, 60 वाट का बल्ब, 1000 वाट का बल्ब, उसमें जो एक फिलामेंट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है टंगस्टन। अगर नहीं याद आता तो जीवान निकाल लेना, उसको बोलना ए टंग, नहीं समझे? टंगस्टन, टंगस्टन इज द वायर विच हैव हाई रेजिस्टिविटी, दैट इज द रीजन वाई उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, देखो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है रेजिस्टेंस। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? पक्का 100% नहीं हुआ? अब बात करते कॉम्बिनेशन कर लें, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? अरे कुछ नहीं भैया, दो दो खिलाड़ी हैं, एक ने राइट हैंड दूसरे का लेफ्ट हैंड पकड़ लिया, फिर इसका लेफ्ट हैंड किसी और के राइट हैंड से जुड़ गया, तो क्या बन गई? सीरीज। अरे चेन खेलते थे, कितने लोग चेन खेले, और चेन टूटती तो क्या करते थे पता है? बड़ा बड़ा लगे हुए उसमें भाई, सपाटे सपाटे भाई तुम पिटे बहुत मारते थे भाई, कुत्ते की तरह मारते। तो वो चेन जो है उसी को बोलते हैं सीरीज। अच्छा घर में कोई ने वो सीरीज चलाई है? दिवाली वाली लड़ी वो भी सीरीज ही तो है। समझ में आया? एक टर्मिनल कनेक्टेड टू द अनदर टर्मिनल, देन वन टर्मिनल अगेन उसकी दूसरी टर्मिनल, पहली टर्मिनल किसी और के, तो सीरीज बनती थी, चेन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस का भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इससे किसको कनेक्ट कर दिया भाई? बैटरी। इसका वोल्टेज कितना है? वी। ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव? तो करंट कहां बहेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। मान लो इसको क्या है, ये R1 और R2। अच्छा एक बार बताओ, दोनों में करंट सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा। तो इसमें भी क्या होगा? आई। इसमें भी क्या होगा? अबे इसमें गया अगर वी, मान लीजिए यहां से गया वी और यहां पर भी है जीरो, वी जीरो वी जीरो, तो इस पे कितना जाएगा? वी वन। इस पे कितना जाएगा? वी टू। पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ये V की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 प्लस V2। बोलो हाँ या ना? नहीं होगी? अरे बोल दो यार भाई, कितनी होगी? V1 प्लस V2। अच्छा ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, तो इस इक्विवेलेंट सर्किट की वैल्यू में V तो V रहेगा, और ये इन दोनों कॉम्बिनेशन को मैंने बोल दिया क्या? RS। इसमें करंट कितना बह रहा है? I। अबे इसमें से भी करंट कितना बह रहा है? I। इसमें से भी करंट बहेगा, जितना बहेगा उतना ही वापस आ जाएगा। इसमें ओम्स लॉ लगा, V इज इक्वल टू I इनटू R सीरीज। इसमें लगा ओम्स लॉ, I इनटू RS। इसमें लगा ओम्स लॉ, V1 I इनटू R1। इसमें लगा I इनटू I कॉमन ले लो, R1 प्लस I से I, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। कोई भुट का आया समझ में? नहीं समझ में? पक्का भाई तुझे समझ में आ गया? हेलो आया कि नहीं आया ये बता। पक्का बेटे का बेटा बोला चल नेक्स्ट करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझाता हूं और आज के बंद करते हैं फिर वाला टॉपिक, फिर आप लोग पढ़ के दिखाएंगे मुझे, जितने लोगों ने मेरे को डिमांड करी थी इस टॉपिक की वो सब पढ़ के दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा टॉपिक चालू करेंगे आप लोग। थैंक यू।
ये कौन है भाई, एक और रेजिस्टेंस, और ये कौन है, एक और रेजिस्टेंस, और ये कौन लग गया बाबा, एक बैटरी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, इसकी वैल्यू कितनी है R1, इसकी वैल्यू कितनी है R2। बोलते जाना भैया, इसमें से जाएगा I, तो इसमें गया I1, इसमें कितना गया, इधर से आ रहा था I2, इसमें से I1, टोटल कितना आया I1 प्लस I2, जो की वैल्यू हो गई I2, यानी I की टोटल वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी I1 प्लस I2। अच्छा इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसमें भी कितना होगा, अरे इधर ओम्स लॉ लगा जरा, V इज इक्वल टू I1 इनटू R1, I1 की वैल्यू निकालो, अबे I1 की वैल्यू निकालो, I1 इज इक्वल टू V बाय R1। अच्छा I2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, V बाय R2, पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन दिस इक्वेशन। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि इसके इक्विवेलेंट की बात करी जाए, तो इसका इक्विवेलेंट मैंने बोल दिया आरपी, ये आरपी कौन है, आर यानी रेजिस्टेंस, पी मतलब पैरेलल, तो आरपी हो गया, वोल्टेज वी हो गया, करंट कितना होगा आई, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी बाय आरपी, पुट करो इसमें तीनों वैल्यू, आई इज इक्वल टू वी बाय आरपी, बोलते आना आई वन की वैल्यू वी बाय आई टू, वी से वी उड़ गया, बचा कितना, वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस हो गया सीरीज, है ना, क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ है, सो रहे हैं सब लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वन अपॉन प्लस वन अपॉन प्लस वन, सीरीज में डायरेक्ट प्लस, क्लियर, अरे इज इट क्लियर, पक्का, yeah।